अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज रिप्रोडक्शन इन पेंसिलिया। बॉटनी पेपर ए में से आपका टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में से, ठीक है। और लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। अब हमारे पास सबसे पहले जी रिप्रोडक्शन इन पेंसिलियम जो है, उसमें तीन चीजें आ जाती है। एक उसकी आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक आती है जी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीन टाइप्स है रिप्रोडक्शन की, यानी जिस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करता है, और बाकी इसके जो सेल स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं। तो आज जो हमने देखने है उसमें रिप्रोडक्शन देखनी है, और उसमें भी हम दो टाइप्स जो है रिप्रोडक्शन की जिस पे फोकस करेंगे, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देख लें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, इसमें क्या करता है पेंसिलियम, एक सिंपल सा तरीका है पेंसिलियम का वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने का, दैट इट रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली थ्रू द फर्मेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से जो है ये रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जस्ट फ्रेगमेंट बन जाते हैं। क्या होता है जी, ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन द हाइफी टेक इन टू द फ्रेगमेंट्स, हाइफी टूट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो बाय द रिपीटेड डिविजन इन टू द इंडिविजुअल और द माइसीलियम। और जो एक हर फ्रेगमेंट है वो बार बार डिवाइड करके माइटोटिकली डिवाइड होता है, और उसके रिजल्ट में न्यू माइसीलियम या न्यू इंडिविजुअल बना देता है। तो इस तरह से एक सिंपल सी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस। उसके बाद आती है जी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, और उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द कोनीडिया। उसको हम कोनीडिया का नाम देते हैं, कोनीडियोफोर्स का नाम देते हैं। एक्चुअली ये वो स्टिक्स हैं, ऊपर कोनीडिया बनता है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा के फिर बताऊंगी, ठीक है ना। तो कोनीडियोफोर्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर कोनीडिया बनता है। कैसे, कोनीडियोफोर्स आर इरेक्ट अनब्रांच और द ब्रांच, यानी ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं। इरेक्ट बिल्कुल सीधे होते हैं, अरेंज इन ब्रूम लाइक फैशन, जैसे एक झाड़ू होता है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि नीचे से आपस में जुड़े होते हैं और ऊपर उसकी जो है वो ब्रांचेस निकली हुई है काफी ज्यादा। उसको आप खोल दो तो वो एक ब्रूम का जो है वो उसकी ही एक स्ट्रक्चर जो है वो उसको उसकी इमिटेशन शो करता है। ईच ब्रांच बियर द शॉर्ट ब्रांचेस एट द टिप्स कॉल्ड द म्यूटिली, और हर ब्रांच के ऊपर ऊपर से भी फिर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिसको हम म्यूटेली का नाम देते हैं। एंड दे आर ग्रुप्स ऑफ द बॉटल्ड म्यूटेल बॉटल्ड शेप्स ट्रिग्मेटा एट द म्यूटेली। हर म्यूटेली के ऊपर बॉटल तक की शेप के, जैसे बॉटल की शक्ल होती है नीचे से खुली ऊपर से थोड़ी सी तांग, उस तरह की शेप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसको हम स्टेरिग्मेटा का नाम देते हैं। नंबर ऑफ द फ्लावर्स शेप फेलाइट सेल्स डेवलप इनटू एंड ईच मेटेली, वही हर मेटेली के एंड पे ये जो फ्लास्क शेप या बोटल से स्ट्रक्चर है जिसको हम फेलाइट सेल्स भी कहते हैं, और इसके अलावा उसको स्टेरिग्मेटा भी कहते हैं, विच फॉर्म द कोनीडिया इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। चेन्स की शक्ल में जो कोनीडिया जो है वो टिप के ऊपर बन जाते हैं। कोनीडिया एक्चुअल में गोल गोल छोटे से बीड लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और चेन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। एंड फेलाइट सेल्स डिवाइड इन टू माइटोटिक फॉर्मिंग द कोनीडियम, और वो डिवाइड करते हुए कोनीडियम बनाते हैं। फेलाइट सेल्स अगेन डिवाइड इन टू द फैशन दैट फर्स्ट इंडिविजुअल टूअर्ड्स दी आउटसाइड, यानी वो अपना एक एक न्यूक्लियस देते जाते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर दूसरे से तीसरा एंड नेक्स्ट कोनीडियम इज फॉर्म, एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड। बार बार ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है, रेस्टिंग इन द चेन्स ऑफ द कोनीडियम इन अ रिजल्टिंग प्रेसिपिटस सक्सेशन, यानी नीचे से शुरू होते हुए पहले एक कोनीडिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी एक चेन का स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा कोनीडियम का। तो इसलिए हम उसको कोनीडिया कहते हैं, यानी बीड्स होते हैं ना जैसे चेन में लगे हुए, ये नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो स्ट्रक्चर बीड की तरह का बन जाता है, यानी बीड्स आपस में जुड़े होते हैं। एंड द होल ग्रुप ऑफ द स्टेरिग्मेटा म्यूटेली एंड द टिप ऑफ द ईच ब्रांच, हर ब्रांच के ऊपर ये जो म्यूटेली और स्टेरिग्मेटा बन रहे हैं इसको हम पेंसिलिया का नाम देते हैं, ठीक है, जो उसका पूरा एक तो टर्म्स आपने ऐसे याद कर लेनी है। एंड द कोनीडिया में भी ब्लू ग्रीन येलो इन कलर और एलिप्टिकल और ओवल इन द शेप, उसकी शेप भी ओवल या एलिप्टिकल हो सकती है, और उसका कलर ब्लू ग्रीन येलो कोई भी कलर हो सकता है। कोनीडिया गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट आफ्टर द मैच्योरेशन एंड डिस्पर्स बाय द विंड, कोनीडिया डिटैच होते रहते हैं जैसे मेचोरेशन होती रहेगी, वो अलग अलग यानी डीपैच हो जाएंगे, अलग अलग होंगे तो वो मेचोरेशन के बाद और विंड से डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की शक्ल में वो इधर उधर फैल जाते हैं जब हवा चलती है। दे गेट अटैच टू अ सबसूटेबल सबस्ट्रेटम एंड जर्मिनेट, और फिर सूटेबल सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ते हैं, वहां पे जाके गिरते हैं, वहां पे जर्मिनेट करते हैं। इस कैसे जर्मिनेट करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखें। जर्मिनेशन इज बाय द जर्म ट्यूब फॉर्मेशन, यानी एक जर्म ट्यूब बनती है, डिवाइड माइटोटिकली मल्टीपल टाइम माइटोटिकली वो डिवाइड करते हैं एंड एंटर द जर्म ट्यूब and followed by the elongation formation of the septa.
सेप्टा की फॉर्मेशन होती है, इलोंगेशन होती है एंड गिव राइज टू द न्यू माइसीलियम, मतलब ब्रांच माइसीलियम, और ऊपर से बन जाता है। जर्मिनेट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, एक जर्म ट्यूब निकलती है, उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, उनकी माइटोटिक डिवीजन होती है, हर न्यूक्लियस आगे चलता जाता है और फिर जर्मिनेट करके जो न्यू माइसीलियम बना देंगे। सिंपल से जो हम पहले भी जो तरीके पढ़ चुके हैं सब वैसा ही है, ठीक है। अगर मुश्किल लग रहा है तो बता दें, मैं दोबारा डिटेल में आपको बता दूंगी। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया, यानी कोनिडिया की पूरी डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर प्रोसीजर होता है कि कोनिडिया जो वो कैसे बन रहे हैं। पीछे जो हमने पढ़ा वो थोड़ा जनरल सा है, इसमें थोड़ी सी डिटेल है कि कोनिडिया एक्चुअल में किस तरीके से बन रहे हैं। सो ईच स्टेरिग्मेटा इज अ यूनिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, हर स्टेरिग्मेटा में एक न्यूक्लियस होता है। सो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कोनिडिया, जब प्रोडक्शन हो रही होगी कोनिडिया के, न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा इंटू टू, टू डॉटर सेल्स बन गए। तो ईच डॉटर न्यूक्लियट माइग्रेट इंटू द हाइलेस्ट पोलर टिप ऑफ द स्टेरिग्मेटा। अब हर डॉटर सेल जो है वो दो बने थे ना, हर डॉटर सेल अपनी टिप पे जाता जाएगा, स्टेरिग्मेटा की टिप पे, स्वॉलन टिप होती है वहां पे पहुंचता जाएगा। एंड दिस पोर्शन इज कट ऑफ, और ये पोर्शन फिर उससे अलग हो जाएगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोनिडिया बाय द फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल बनते हुए ये जो पोर्शन है उससे अलग हो जाएगा एंड प्रोटोप्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक्रेट्स द वॉल ऑफ ईच स्टेरिग्मेटा। हर स्टेरिग्मेटा के बाहर जो है वो वॉल बनाता है, प्रोटोप्लास्ट अलग से एक सेपरेट सेपरेट सेल बनना शुरू हो जाता है, जैसे पीछे पढ़ा है। इसके अलावा ईच कोनिडियस यूनियन न्यूक्लिएट बट आफ्टर डिवीजन, लेकिन बाद में उसमें जो है वो डिवीजन होती है, डिवाइडेड सेवरल टाइम्स फॉर्मिंग इज द मल्टी न्यूक्लिएट। वैसे वो यूनियन न्यूक्लिएट ही होता है कोनिडिया, लेकिन जब उसमें डिवीजन होती है बार बार, तो वो उसके रिजल्ट में मल्टी न्यूक्लिएट कोनिडिया बन जाता है। इसके अलावा जर्मिनेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया, जर्मिनेशन का ईच कोनिडिया जर्मिनेट फॉलिंग ऑफ हाइफी डायरेक्टली ऑन द सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते हैं और वहां पे जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्म ट्यूब का पीछे बात हमने कर दिया। फिर बात आती है जी ओईडिया फॉर्मेशन की, जो इसकी लास्ट स्टेज है कि ओईडिया कैसे बनते हैं। और ओईडिया एक्चुअल में क्या चीज है, वहां पे जर्मिनेशन करके न्यू माइसीलियम बन गए ना, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि ओईडिया भी बन जाते हैं। कैसे, दी पेनिसिलियम हाइफी ग्रोन इन द शुगर सोल्यूशन, जब आप उसको शुगर के सोल्यूशन में ग्रो करवा, वहां तक कंप्लीट उसका हो गया था, लेकिन अगर कभी आपने शुगर सोल्यूशन में ग्रो करवाया ना इसको, तो दे डिवाइड इनटू द स्मॉल न्यूक्लियस, जो है न्यूक्लियस बनते रहते हैं, यूनि न्यूक्लियट, एक एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियट सेगमेंट बन जाते हैं विच बिकम राउंडेड ऑफ। और वो जो न्यूक्लियर सेगमेंट था, हर सेगमेंट के अंदर एक एक न्यूक्लियस था, वो राउंडेड ऑफ हो जाते हैं, बिकम द स्पोर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ओईडिया या ओईडियोस्पोर्स। तो वो जो स्पोर की तरह का स्ट्रक्चर गोल सा बनता है उसको ओईडिया या ओईडियोस्पोर्स कहते हैं। दिस इंक्रीज इन नंबर बाय बडिंग, बडिंग के जरिए वो डिवाइड करते हुए नंबर में इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्यूरुला स्टेज। एंड फंगस एट दिस स्टेज इज अबाउट फर्मेंटेशन, ब्रिंग अबाउट द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर टू अल्कोहल। इस स्टेज को हम टोरियुला स्टेज कहते हैं, जब वो बर्निंग के जरिए बार बार उसमें स्पोर्स बन रहे हैं। और ये जो स्टेज होती है, ये स्टेज वो होती है जब ये फंगस जो किसी शुगर की फर्मेंटेशन कर देती है और शुगर से वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। यानी अल्कोहल बनानी हो तो हम उसमें ये फंगस डाल के तो अल्कोहल बना सकते हैं शुगर सोल्यूशन में। सो द ओईडिया देन ब्रांच और द सॉलिड सबस्ट्रेटम जर्मिनेट इनटू न्यू माइसीलियम। जब भी ये किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम के ऊपर इसको रखा जाता है, ओईडिया को, वो दोबारा जर्मिनेट करता है और नया माइसीलियम बना देता है, ठीक है। ये इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर है, यानी नीचे से देखें ये प्लांट बॉडी है। एक माइसीलियम आपको पता है कोई उसमें रूट स्टेम लीव्स वगैरह नहीं होते हैं, जस्ट एक फ्लैट सी बॉडी होती है, उसमें डिवीजन होती है सेल्स की। तो अब यहाँ पे एक कोनिडियो फोर बनी, यानी एक ब्रांच बनी, ये कोनिडियो फोर थी, इसके ऊपर बनने थे कोनिडिया, ये बन रहे हैं ऊपर कोनिडिया। अब इसमें बार बार ब्रांचेस हो रही हैं, हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। ये जो बॉटल शेप स्ट्रक्चर है, बॉटल की तरह का पहले बनता है, पहले बॉटल शेप स्ट्रक्चर बनता है ना, जैसे बॉटल होती है, तो उसको हम स्टेरिग्मेटा का नाम देते हैं। बॉटल शेप स्ट्रक्चर के ऊपर ये छोटे छोटे देखो गोल गोल बीड की तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको हम कोनिडिया का नाम देते हैं, ठीक है। और आपको पता है जी म्यूट्यूला, म्यूटेला जो है वो, म्यूटेला हमारे पास जो सब यानी ब्रांचिंग है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, आपने डेफिनेशन जहन में रखनी है ना, तो डेफिनेशन में हम क्या पढ़ा था कि जो मेन कोनिडियो फोर्स था उसके ऊपर ब्रांचिंग होती है, उसको म्यूटेला का नाम देते हैं ग्रुप ऑफ ब्रांचेस को। फिर उसके ऊपर बनते हैं बॉटल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टेरिग्मेटा का नाम देते हैं। उस बॉटल के ऊपर गोल गोल जो है वो बीड की तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसको हम कोनिडिया का नाम देते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, फिर ये कोनिडिया यहाँ से सेपरेट होकर अगर कहीं और जाके गिर जाते हैं, तो वहां पर दोबारा जर्मिनेट करके जर्मन ट्यूब बना के तो अपनी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैरी आउट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप के लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो और इजी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।